Well, hello dear students, today's topic is Faraday's law. What it means? That means when the flux of magnetic field passes through the area bounded by a closed loop, changes and EMF is produced in the loop. Or what is the meaning of EMF firstly? Oh, maybe you all know that. Okay. The mean of EMF is, that means electromotive force, a force that separating the charge in the current flowing in a closed circuit. So, क्या होता है अभी तक हमने जो चीज़ें बताई हैं उसका मतलब क्या है? तो सिंपल सी चीज़ है, अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ, ये जो आप मैग्नेट देख रहे हैं, ठीक, ये अपने अराउंड एक फील्ड क्रिएट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड. और जब ये मैग्नेटिक फील्ड किसी कॉइल से पास होता है तो वहाँ पर एक क्या जनरेट होता है, EMF, ठीक है. EMF, अब इसके अंदर क्या पावर होती है, EMF फिजिकली क्या करता है, चार्जेस पर फोर्स अप्लाई करता है जिसकी वजह से पूरे सिस्टम में करंट फ्लो होती है. देखिए यहाँ पर हमने कोई भी एक्स्ट्रा सोर्स नहीं लगाया है, जैसे सेल इन सब का. हम एक मैग्नेट की हेल्प से क्या करने वाले हैं, करंट को जनरेट करने वाले हैं, ठीक है. सो देखते हैं, पहले हम देखेंगे कि इस मैग्नेट के पास क्या क्या चीज़ें होती हैं. तो और फील्ड लाइन्स होती हैं तो किस तरह से दिखती हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनकी, तो थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ हम केवल प्रैक्टिकल वाइज देखेंगे. सो फर्स्ट हम देखते हैं इसकी फील्ड लाइंस, ठीक है. सो आप देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ डायरेक्शन से आउट हो रही हैं और इनवर्ड हो रही हैं किसके, साउथ पोल के, ठीक है. सो नॉर्थ पोल से ये आउट होती हैं, ठीक है, एंड साउथ में इन होती हैं. दैट मीन्स ये क्लोज लूप का फॉर्मेशन करती हैं, पहला आपने देख लिया, क्लियर. दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, अगर हम नॉर्थ और नॉर्थ पोल को, ठीक है, पास में लिखा रहेंगे, दैट मीन्स इफ यू आर टेकिंग टू मैग्नेट्स एंड दे हैव सेम पोल, सो दे विल रिपेल ईच अदर. अगर हम क्या लेकर आते हैं, सेम पोल्स के मैग्नेट लेकर आते हैं तो वो रिपेल करते हैं अपोजिट पोल. दैट मीन्स इफ यू आर टेकिंग वन नॉर्थ पोल, सेकेंड वन साउथ पोल, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. ओके, सो आर मोटो इज नॉट दैट प्रैक्टिकल. हम यहाँ प्रैक्टिकल करने वाले हैं फैराडेज लॉ का. क्या होगा अगर इस मैग्नेट को हम पास करते हैं, नाउ लुक एट दैट वोल्टेज पॉइंट. ओके, इसको हम पास करने वाले हैं इस पूरे कॉइल से, जैसे अभी तक इसमें कोई करंट नहीं प्रोड्यूस हुई है, ठीक है. जैसे इसमें हम इसको क्या करते हैं, पास करते हैं, लुक, ये देखिए यहाँ पर अभी क्या होना स्टार्ट हो गई है. इसको अगर हम कांस्टेंट वे में मूव करते हैं, क्या कुछ चेंजमेंट मिल रहा है, नहीं. इसकी स्पीड चेंज करते हैं, ओके, थोड़ी स्पीड हम तेज़ करते हैं, ठीक है. आप देख रहे हैं डिफ्लेक्शन कितनी तेज़ी से मिल रहा है, हाउ फास्टली इट विल डिफ्लेक्ट, ओके. सो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक चीज़ कि अगर हमारा क्वाइल कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है तो करंट की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो. और वोल्टेज में डिफ्लेक्शन हमें क्या मिलता है, नल. बट अगर हम इसे बहुत, ठीक है, स्पीड के साथ मूव कराते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा जिस डायरेक्शन में अगर हमारा नॉर्थ पोल जा रहा है, सेम डायरेक्शन में फर्स्टली क्या कर रही है, ये देखिए डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज बिल्कुल इसी डायरेक्शन में, जैसे हम इसको क्या कर रहे हैं, आउट कर रहे हैं, ठीक, डिफ्लेक्शन हमें अकॉर्डिंगली मिल रहा है. क्या होगा अगर हम लूप सिंगल ना लेकर के दो लूप का कंसिडरेशन करें. सो अभी हमने ले लिया है दो लूप और हम पास करने वाले हैं पहले जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं. जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं अगर उसमें से हम पास करें तो इंटेंसिटी क्या मिल रही है, मैक्सिमम मिल रही है. नाउ अगर हम लेस नंबर ऑफ टर्न्स से पास कर रहे हैं तो इंटेंसिटी मिनिमम मिल रही है, ठीक है. दैट मीन्स ये किस पर डिपेंड कर रहा है, पहला मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पर, दूसरा फ्लक्स पर, ठीक है. उस फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया. थर्ड है हमारा नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है. तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, स्ट्रेंथ होगी, उतनी ही ज़्यादा इंटेंसिटी इंक्रीज होगी. तो इसके लिए ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी. सो वॉट इज एयर, E इज द ई एम एफ, डी फाई दैट मीन्स चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट टाइम, एन इज द नंबर ऑफ क्वाइल, ठीक है. यहाँ पे माइनस साइन क्यों शो कर रहा है, कि जो आपका डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, वो चेंज हो रहा है कैसे, जो यहाँ पर ईएमएफ क्रिएट हो रहा है वो उसकी डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, ठीक है. नाउ अगर हम इस पोल को चेंज करते हैं, ठीक है, यहाँ पर साउथ लेते हैं, यहाँ पर नॉर्थ लेते हैं, क्या हमें मिलता है, देखते हैं.
सो आप देख रहे हैं डिफ्लेक्शन फर्स्टली कैसे हो रहा था, जब हमने जब क्या लिया था, नॉर्थ और साउथ लिया, तो डिफ्लेक्शन सबसे पहले हमें मिलता था नेगेटिव साइड में, ठीक, एंड देन आफ्टर पॉजिटिव। और अगर हम इसी को चेंज कर देते हैं पोल को, तो डिफ्लेक्शन सबसे पहले हमें मिलता है पॉजिटिव साइड, देन आफ्टर नेगेटिव साइड। ओके, तो दो चीज़ें आपने तैयार कर ली हैं इस फैराडेज़ लॉ से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।